नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी सी एस आई आर नेट फिजिकल साइंस पेपर में न्यूक्लियर फिजिक्स से टोटल तीन क्वेश्चन पूछे गए थे लेट सॉल्व दिज थ्री क्वेश्चन चार्ज्ड पायोन्स डी केज टू म्योन्स एंड एंटी म्योन न्यूट्रीनो टेक द रेस्ट मासेज ऑफ एन म्योन एंड अ पायोन टू बी वन जीरो फाइव मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वन फोर जीरो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली द प्रोबेबिलिटी दैट द मेजरमेंट ऑफ द म्यून स्पिंग अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम इज पॉजिटिव इज क्लोज टू यह क्वेश्चन पैरिटी कॉन्जर्वेशन और हेलिसिटी पर बेस्ड है पैरिटी कॉन्जर्वेशन और पार्टिकल फिजिक्स के सभी टॉपिक्स पर डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है चार्ज्ड पायोन का डिके चार्ज्ड मीओन और एंटी न्यूट्रीनों में हो रहा है चूंकि यह एक डिके रिएक्शन है तो पायोन को रेस्ट में माना जा सकता है अगर पायोन रेस्ट में है तो इसका लीनियर मोमेंटम ज़ीरो होगा और पायान एक स्पिन जीरो का मैसौन पार्टिकल है लेकिन पायोन के डिके से रिलीज़ होने वाले पार्टिकल्स रेस्ट पोजीशन में नहीं होंगे बल्कि लीनियर मोमेंटम को कंजर्व बनाए रखने के लिए ये दोनों पार्टिकल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मोमेंटम से रिलीज होंगे हेलिसिटी से हम जानते हैं कि अगर पार्टिकल का स्पिन उसके मोमेंटम की डायरेक्शन में हो तो uh, उसे राइट हैंडेड हेलिसिटी और अगर पार्टिकल का स्पिन मोमेंटम के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसे लेफ़्ट हैंडेड हेलिसिटी कहते हैं आज तक सभी न्यूट्रिनो लेफ्ट हैंडेड और एंटी न्यूट्रिनो राइट हैंडेड हेलिसिटी वाले ही मिले हैं तब तो एंटी म्योन न्यूट्रिनो की हेलिसिटी भी राइट हैंडेड होगी तो अगर एंटी न्यूट्रिनो लेफ्ट साइड की ओर मूव कर रहा है तो इसके स्पिन की डायरेक्शन भी लेफ्ट साइड की ओर होगी ताकि यह राइट हैंडेड बना रहे हैं। नाउ चूंकि पायोन का स्पिन जीरो है इसलिए स्पिन को कंजर्व बनाए रखने के लिए मियोन का स्पिन भी उसके मोशन की डायरेक्शन यानी एंटी न्यूट्रिनो के ऑपोजिट डायरेक्शन में होना जरूरी है दैट मीन्स मियोन का स्पिन और मोमेंटम दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो अगर इस डिके रिएक्शन में मियोन के स्पिन को मेजर किया जाए तो मियोन का स्पिन हमेशा ही उसके मोमेंटम की डायरेक्शन में ही मिलेगा दैट मीन्स 100% हंड्रेड परसेंट प्रोबाबलिटी है कि मियोन का स्पिन उसके मोमेंटम की डायरेक्शन में ही मेजर्ड हो द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ अ proton एंड अ न्यूट्रॉन आर 2.79 and सेवन नाइन एंड माइनस वन पॉइंट नाइन वन थ्री द वैल्यूज ऑफ द मैगनेटिक मोमेंट्स ऑफ द मिररर न्यूक्लियाई फ्लोरिन एंड न्यून रिस्पेक्टिवली इन मॉडल आर क्लोज टू यह क्वेश्चन शेल मॉडल पर बेस्ड है शेल मॉडल किसी न्यूक्लियस के एंगुलर मोमेंटम को प्रिडिक्ट करने का बेस्ट मॉडल है इसी की हेल्प से फ्लोरीन और नियॉन मिरर न्यूक्लियाई के मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने हैं किसी भी न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट शेल मॉडल से कैलकुलेट करने के लिए हमें उस न्यूक्लियस में मौजूद सभी न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को शेल मॉडल में फिलअप करना होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर टोटल मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करते हैं अगर न्यूक्लियॉन्स इवन नंबर में है तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो होता है बात करें फ्लोरीन की तो इस न्यूक्लियस में नाइन प्रोटॉन और टेन न्यूट्रॉन्स हैं चूंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इवन है जिससे इसका मैग्नेटिक मोमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो होगा जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑड है इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट में पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोटॉन का ही होगा अगर शेल मॉडल में नॉर्मल तरीके से नाइन प्रोटॉन्स को अरेंज करें तो फर्स्ट टू प्रोटॉन वन एस वन लेवल में नेक्स्ट फोर प्रोटॉन्स वन पी थ्री लेवल में उसके बाद नेक्स्ट टू प्रोटॉन वन पी वन बाई टू लेवल में और लास्ट प्रोटॉन वन डी फाइव बाई टू लेवल में अरेंज होने चाहिए भले ही शेल मॉडल किसी न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स के अरेंजमेंट को डिस्क्राइब करने का बेस्ट मॉडल है लेकिन इस मॉडल में भी कुछ कमियाँ हैं कुछ न्यूक्लियस ऐसे हैं जिनके लिए शेल मॉडल पूरी तरह फेल हो जाती है फ्लोरीन 19 न्यूक्लियस की बात करें तो इसका लास्ट अनपेयर्ड प्रोटॉन वन डी फाइव बाई टू लेवल में अरेंज होना चाहिए जिससे इसका एंगुलर मोमेंटम फाइव बाई टू होगा बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि फ्लोरीन नाइनटीन का एंगुलर मोमेंटम फ़ाइव बाई टू होने के बजाय वन बाई टू होता है यह तभी हो सकता है जब लास्ट अनपेयर्ड प्रोटॉन वन डी फाइव बाई टू लेवल में अरेंज ना होकर टू एस वन बाई टू लेवल में अरेंज हो जिसे शेल मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाती है इस न्यू कॉन्फिगोरेशन के अकॉर्डिंग फ्लोरीन का एंगुलर मोमेंटम वन बाई टू होगा अब मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो ऑड प्रोटोन्स की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट इन दो फॉर्मूलों से दिया जाता है चूँकि लास्ट प्रोटॉन एस ऑर्बिट में है जिसके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ज़ीरो होता है इसलिए स्ट्रेच केस कंसिडर करते हैं जे की वैल्यू को इस रिलेशन में पुट करने पर फ्लोरीन का मैग्नेटिक मोमेंट 2.79 पॉइंट सेवन म्यू एन मिलता है शेल मॉडल के कुछ लिमिटेशंस हैं फ्लोरीन 19 उन्हीं में से एक है अब बात करते हैं फ्लोरीन के मिरर न्यूक्लियाई नियॉन की नियॉन नाइनटीन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स टेन जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नाइन है चूँकि न्यूट्रॉन्स ऑड नंबर में है इसलिए न्यूट्रॉन्स को शैल मॉडल में अरेंज करते हैं नियॉन में शेल मॉडल को फॉलो करते हुए लास्ट न्यूट्रॉन वनटी फाइव बाई टू लेवल में अरेंज होगा इसके अकॉर्डिंग नियॉन का एंगुलर मोमेंटम फाइव बाई टू होना चाहिए जो कि करेक्ट है दैट मीन्स नियॉन को शेल मॉडल से एक्सप्लेन किया जा सकता है अगर किसी न्यूक्लियस में और न्यूट्रॉन हो तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट इस रिलेशन से दिया जाता है चूँकि न्यूट्रॉन डी ऑर्बिट में अरेंज हुआ है जिसके लिए ऑर्बिटल एंग्लो मोमेंटम टू होता है तो डी ऑर्बिट के दो लेवल पॉसिबल हो सकते हैं एल प्लस वन बाई टू के अकॉर्डिंग वन डी फाइव बाई टू लेवल और एल माइनस वन बाई टू के अकॉर्डिंग वन डी थ्री बाई टू लेवल चूंकि नियॉन में लास्ट न्यूट्रॉन वन डी फाइव बाई टू लेवल में है दैट मीन्स इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट स्ट्रेच केस से कैलकुलेट होगा जो कि माइनस वन पॉइंट नाइन वन म्यू एन मैग्नेटिक मोमेंट देता है ऑप्शन से कंपेयर करें तो फ्लोरीन और नियॉन दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट ऑप्शन फोर में दिए गए मैग्नेटिक मोमेंट के सबसे क्लोज हैं द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज अप्रॉक्सीमेटेड बाई दिस गिवन फार्मूला इफ ए फोर बाई ए थ्री इक्वल्स टू थर्टी द एटोमिक नंबर फॉर नेचुरली स्टेबल आइसोबार इज यह क्वेश्चन सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला पर बेस्ड है जेड प्रोटॉन और एन न्यूट्रॉन से मिलकर बने न्यूक्लियस का मास उस न्यूक्लियस के सभी न्यूक्लियॉन्स के टोटल मास से कम होता है मास में इस डिफरेंस को मास डिफेक्ट कहते हैं और इस मास डिफेक्ट के इक्वलेंट एनर्जी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी वह रिक्वायर्ड एनर्जी होती है जो किसी न्यूक्लियस को उसके कॉन्स्टिटुंस में डिवाइड करने के लिए रिक्वायर्ड होती है किसी न्यूक्लियस की यह बाइंडिंग एनर्जी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है जिसे सेमी इंपेरिकल मास फार्मूले से बताया जाता है अगर इस फार्मूले में मास नंबर को कांस्टेंट करते हुए नेगेटिव बाइंडिंग एनर्जी और नंबर ऑफ प़्रोटॉन्स के बीच ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो यह एक पैराबोला के शेप का कर्व बनाती है इस कर्व का सबसे लोएस्ट पॉइंट मोस्ट स्टेबल आइसोबार को रिप्रेजेंट करता है अगर इस पॉइंट का स्लोप लें तो यह स्लोप जीरो के इक्वल आएगा मीन्स क्वेश्चन में गिवन बाइंडिंग एनर्जी रिलेशन का जेड के रिस्पेक्ट में ए को कांस्टेंट रखते हुए डिफ्रेंशिएट करें तो हमें मोस्ट स्टेबल आइसोबार का एटॉमिक नंबर यह मिलता है